हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पीड सॉल्यूशंस ऑफ जेईई मेंस 30 जनवरी के बारे में, मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में, जो कि आज हुआ है। उसका सॉल्यूशन मैं रात तक ले पाया, यही अच्छी बात है मेरे लिए। काफ़ी कुछ रिटीव करने की कोशिश की है। सॉल्यूशन सबको नहीं देखने, जिनका पेपर हो गया उन्हें देखने हैं, जिनका कल पेपर है वो अगर ना देखें तो ही अच्छा है उनके लिए। ये वैधानिक चेतावनी है, डिस्क्लेमर इसे कहते हैं। और बाकी लोग पेपर का सोल्यूशन देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस के लिए बिल्कुल बढ़िया सी चीज़ तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले अभी मेंस की तैयारी ही ढंग से करनी है सबको, ठीक है। 3 तारीख को मिलेंगे बिल्कुल पॉजिटिवली। कल कोई वीडियो सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, परसों आएगा अब, ठीक है। कल मतलब 9:29 वाला आ जाएगा, और 30 की रात वाली शिफ्ट वाला सोल्यूशन अभी इतनी तेज़ी से आ नहीं पाए क्योंकि रिट्रीव ही नहीं हो पा रहा है। और बहुत पीछे इसके काम होता है ना करने के लिए, क्वेश्चन को इकट्ठा करो, सेग्रीगेट करो, फिर उसके बाद उन्हें टाइप करके लिखो, बड़ा मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। तो ये देखना चाहो देख सकते हो बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को सब कुछ dexterkam.in/courses पे मिल जा रहा है, और धीरे धीरे कंटेंट चैनल पर बढ़ता जा रहा है। अगर तुम पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पहले से हैं उनके लिए थैंक यू, और लोगों को शेयर करें और कमेंट करके यही बताएं कि कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन। गिवन रिएक्शन क्या है, C6H5COCl है, यानी बेंजोइल क्लोराइड दे रखा है, बेंजोइल क्लोराइड दे रखा है, और इसकी रिएक्शन कराइए किससे, H2PDBSO4। इससे क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। और इस रिडक्शन का नाम क्या होता है, रोजमोंड रिडक्शन है। और इस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, ये लिंडार कैटलिस्ट है, ये क्या है, लिंडार कैटलिस्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, यानी कि वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होनी चाहिए। तो लैक्टोज, माल्टोज और ग्लूकोज तीनों कैसी हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जो सुक्रोज होती है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैच कराना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लगभग आसपास का क्वेश्चन होगा। अगर तुम कमेंट करके ये बता सकते हो कि पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चन कर पाए, टेस्ट सीरीज से कितना फ़ायदा हुआ, लेक्चर्स कितना फ़ायदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं जरूर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ डायमैग्नेटिक आयंस। अब डायमैग्नेटिक आयंस दोनों किसमें, जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट होगा, सब कुछ कवर होगा, ठीक है। तो सीरियम +4 तो है, लेकिन Pm+3 नहीं है, लेकिन इसमें देखो 3d10 है और इसमें भी 3d10 है, तो ये दोनों कैसे हैं, डायमैग्नेटिक हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। शायद पेपर में कई जगह मैंने देखा वहाँ पे सीरियम भी दिया था, सीरियम +4 और लैंथेनम +3 दिया। अगर सीरियम प्लस मतलब अगर हम ऐसे देखें कि सीरियम +3 दिया हुआ है और सीरियम +4 दिया हुआ है और लैंथेनम +3 दिया हुआ है, तो ये भी डायमैग्नेटिक वाली श्रेणी में आते हैं। अगर ऐसा किसी पे दिखाए तो वो भी ठीक है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट। अब इसका ऑप्शन यार रिट्रीव करना काफी मुश्किल था, बच्चे ने जो बताया मैंने लिख लिया इस पे कि इसकी रिएक्शन किससे कराइए, MgBr से कराइए। तो पहले Mg ट्राईथर से रिएक्शन कराते हैं, Mg ट्राईथर से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, -Mg+Br, आराम से देखना, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किससे कराइए, इसकी रिएक्शन कराइए CO2 से, CO2 से कराइए तो क्या बन जाएगा, ये CO-Mg+Br, फिर H3O+ से कराइए, H3O+ से कराने पे क्या बन गया, H3O+ से कराने पे ये बन गया COH। अब COH को अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाता है, एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करने से क्या बन जाते हैं, एमाइड बन जाते हैं, तो बेंजामाइड बन गया। और इसे फिर Br2NaOH के साथ ट्रीट करा के कौन सी रिएक्शन कराई है, नाम बता सकते हो, कमेंट करके जल्दी से नाम बताओ, इस रिएक्शन का नाम क्या है, प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ, नाम तुम्हें बताना है, ठीक है। तो ये NH2 बन गया, तो हमारा Pa बन गया, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड नेम 3-methyl-pent-2-enol। तो LDHD है तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, LDHD है पहली बार, तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अब इसे नंबरिंग कर लेते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 4-methyl है, ठीक। और ये कैसा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 3-methyl है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा बी हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कौन नहीं देगा, तो कीटोन्स फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, बाकी सारे तो LDHD है, ये क्या है सारे एलिफैटिक LDHDs, ये भी क्या है LDHD है, तो LDHD तो टेस्ट देंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे।
अगला सवाल, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है पेपर, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आ रहा है ना, आसानी से लग भी गए होंगे, अगर कोई ठीक से पढ़ के गया होगा तो 6-7 मतलब 20-22 क्वेश्चन तो आराम से लगा दोगे, है ना। कह रहा फॉर हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट, बिल्कुल ठीक बात है कि हाइड्रोजन के लिए 1s के बाद सारे ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डिजेनरेट होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल्स डिजेनरेट होते हैं, मतलब कि जो सबसेल्स होते हैं वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो 3s 3p 3d सब एक होंगे, इसलिए हाइड्रोजन की अगर थर्ड ऑर्बिटल डिजेनरेसी की बात करी जाए तो 9 आ जाएगी, ठीक है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, तो दोनों स्टेटमेंट ये ट्रू हैं, ठीक। अगले स्टेट चलते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एक्वा सोल्यूशन, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम एक्वा सोल्यूशन में डाल देते हैं तो ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देता है, AlH2O6 3+, तो ये कैसा बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन गया क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई, 6 आ गई, तो ऑक्टाहेड्रल बन गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, अब ये कैसा है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, अब एंटी एरोमेटिक तो जानते हो कि 4n+2, ये इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये कैसा है, ये एरोमेटिक है, तो जीओसी का क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा कौन से स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक, अगर दोनों एंटी एरोमेटिक में पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जिसमें रेजोनेंस ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल, लेकिन यहाँ पे हम ये बात नहीं कह पाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है और मॉलिक्यूल दिए उनके हमें ज्योमेट्री बतानी है सबके, ठीक है, तो शेप बतानी बेसिकली, तो BrF5 अगर देखोगे तो BrF5 क्या हो गया, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर का मतलब sp3d2, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगी, तो इसका हो गया डी। वाटर बेंट होता है ये तो सबको पता है, Cl3, अच्छा वाटर का भी लिख ही देते हैं, वाटर में क्या हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3, और शेप कैसी आ गई, बेंट। ऐसे ही Cl3 देखोगे तो Cl3 में क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 लोन पेयर हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, sp3d हो गया, अब sp3d हो गया तो बेंट रूल लगाएंगे तो इसकी शेप कैसी आ जाएगी, टी शेप आ जाएगी, फिर SF4 है, SF4 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, और हम लोगों ने सब क्लास नोट्स में लिखे हुए एग्जांपल्स हैं, तो इससे क्या आ जाएगी, सीसा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सी सौ आ जाएगी बेंट रूल लगाते ही, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहा CrO2 Cl2 CH2 और फिर वाटर लगा रहा, तो आंख बंद करके ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है, ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन है, तो इटार्ड का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इटार्ड का कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सा बनता है, बना देते हैं, ए जो बनेगा ए बन जाएगा CHO CrCl2OH होल ट्वाइस, और इसकी फिर हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ये इटार्ड रिएक्शन है याद रखना नाम, है ना, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर इज हीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 एंड द लेड एसीटेट पेपर टर्न्स ब्लैक बाय द गैस, तो लेड एसीटेट किससे ब्लैक होता है, अगर लेड एसीटेट को ब्लैक कराना है तो H2S गैस पास करनी पड़ेगी, और H2S गैस पास करने के लिए PbS का ब्लैक PPT आएगा, ये भी हम लोगों ने कॉपी में लिख रखा है, तो इससे कौन सी गैस थी, सल्फाइड थी, H2- था, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस द कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बट फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मत ओनली स्मॉल इंक्रीज इज ऑब्जर्व, दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग डन बाई डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, एफ भी आ गए इसमें तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक।
तो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट रेडियस एंड आयनिक रेडियस बोथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये सही बात है कि अगर एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ले लें, जैसे +3 ले लें या -3 ले लें, तो टॉप टू बॉटम आने पे कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये नहीं कह रहे हम लोग, बढ़ेगी ये बात है, ठीक है, इन जनरल स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, आंसर ए नहीं आएगा, आंसर बी आएगा। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, फाइंड ए एंड बी। अब देखो ए क्या कह रहा है कि इसकी एन ए से रिएक्शन करा, ये तो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस एन ए, तो इससे बन जाएगा CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए प्लस, और फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3 CH2 CH2 Cl से, जिससे जो हमें डिजायर्ड कंपाउंड है वो मिल जाए। तो इससे बन जाएगा CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड, ये चेन चेन बढ़ाने का तरीका, सिंपल एनसीईआरटी वाली रिएक्शन। तो ये बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। ठीक, तो ए और बी पता लग गया हमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए और बी, इसमें भी निकालना है। तो यार यहाँ पे ये क्या है, C6H5 है, ठीक है, एनिलीन है, तो C6H5 है, तो C6H5, और सॉरी क्या लिखना है, NH2 लिखना है यहाँ पर। इसके इससे अगर हमें डाइल्यूटाइजेशन करना है तो हम क्या ले लें, NaNO2HCl ले लें या फिर HNO2 लिख दें। तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ से फिर से 5 होगा यार ये, तो ये N2+ बन जाएगा यहाँ पे, और फिर इसकी रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से करा दें। किससे करा दें, बीटा नेफ्थॉल से करा दें, ये क्या है, बीटा नेफ्थॉल। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक, और ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक, तो ऑरेंज डाई बन गई है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। Mn का एटॉमिक नंबर 25, तो ये Ar4H2 3d5 होता, तो Mn+2 में जो होगा वो 4s0 और 3d5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। Vn23 होता है, Vn+1 में आ जाएगा कितना, 4s1 और 3d3, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। क्रोमियम को हमें +3 है यहाँ पे, ठीक, क्रोमियम किसमें, +3 में है। तो क्रोमियम अगर हम +3 में लिख लें, क्रोमियम +3 में लिखने का मतलब क्या है कि 3d3 है और 4s0 है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। और Fe+2 में 4s0 और 3d6 आ जाएगा, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, क्योंकि रिकॉल करने पड़ रहे थे बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक रफ आइडिया तो तुम्हें लगी जाएगा, जिसने पेपर दिया एटलीस्ट उसे तो पता चली जाएगा, है ना। क्या, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नेफ्थलीन इज एडेड टू बेंजीन। तो नेफ्थलीन में जब हम लोग कुछ भी क्या डालेंगे, बेंजीन में कुछ भी वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाएंगे, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, तो आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। ठीक, अगला अगला कह रहा है KSP ऑफ MgOH इज 1:10^-12, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ pH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच 0.01 मोलर Mg2+ आयंस विल गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो MgOH होल ट्वाइस को देखो क्या करना है, MgOH होल ट्वाइस जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Mg+2 बना देगा और 2OH-1 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, तो मैं भाई बस इतना ही लिखना था, है ना। और KSP की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, Mg2+ के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर इंटू OH- के कॉन्सेंट्रेशन के होल स्क्वायर के बराबर। KSP की वैल्यू हमें दे रखी है 1:10^-12। ठीक है, KSP की वैल्यू हमें दी है, Mg2+ जितना दिया हमें उतना प्रेसिपिटेट कराना, तो Mg2+ की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 0.01 × OH- का होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया, 10 बचा है यहाँ पे, तो OH- की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10^-5 आ जाएगी, तो POH जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5, तो pH कितनी आ जाएगी, तो pH आ जाएगी 9। सिंपल सा सवाल था KSP का, अच्छा, मतलब सिंपल तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ता, सवाल को लगाने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती। ठीक, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है, ए से प्रोडक्ट बनना इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज 0.04 मोलर एट 10 मिनट्स एंड 0.03 मोलर एट 20 मिनट्स। हाफ लाइफ निकालनी है हमें, तो हमें पता है कि के इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, या ए नॉट अपॉन ए लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा, ए नॉट अपॉन ए। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, के की वैल्यू हम निकाल लें, यहाँ पे दे रखा है 2.303 अपॉन टी, टी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मिनट, मिनट्स में ही ले लेते हैं, इन टू लॉग ऑफ ए नॉट हमें नहीं पता लेकिन ए की वैल्यू हमें पता है 0.03 है, ऐसे ही के दूसरी इक्वेशन के लिखेंगे 0.03 अपॉन 20 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 0.04, दोनों को इक्वेट कर दें तो आ जाएगा 1 अपॉन 10 लॉग ए नॉट अपॉन 0.03 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 लॉग ए नॉट अपॉन 0.04। तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यार, तो ये आ जाएगा ए नॉट अपॉन 0.03 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ, भाई 2 को इधर ले गए होंगे मल्टीप्लाई करके, इसका स्क्वायर कर दिया, लॉग ऑफ लॉग तो हट गया, अच्छा लॉग तो हट गया, लॉग तो हट गया, इसे 2 से काट दिया इसे, तो ये बन गया ए नॉट अपॉन 0.04। तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू जो आ गई, जो ए नॉट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, हमने कुछ गलत लिख दी वैल्यू लग रहा है, हाँ तेजी में मेरे को सवाल याद हो जाता है लगाते लगाते, तो मैं गलत लिख देता हूँ कुछ कुछ, ठीक सही कर देते हैं, अभी तो अपने ही हाथ में है बॉल, तो ये 0.03 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.03 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.03 आएगा और यहाँ पे 0.04 आएगा, तो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.04 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.03। ठीक, इतनी वैल्यू पता लग गई। ठीक, तो लॉग में इसकी वैल्यू उठा कर रख देते हैं, के की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन टी की वैल्यू 10 लॉग ऑफ 0.04 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू 0.03, तो ये आ गया 4/3 लॉग के अंदर, तो के 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 4/3 आ गया, लॉग 4 की वैल्यू भी दी है, 3 की वैल्यू भी दी है, तो इसे लिख दें 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और ये 0.48 हमें गिवन है, लॉग 2 की वैल्यू और लॉग 3 की वैल्यू, ठीक है ऊपर तो वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू आ गई 2.303 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 10, ये के की वैल्यू आ गई, तो टी हाफ हो गया कितना 0.693 अपॉन 2.303 इंटू 1.12 इंटू 10, इससे कैंसिल कर दिया, ये 0.3 आया, ठीक ये 0.3 आया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया कितना 3 अपॉन 0.12, ऊपर दो जीरो ले गए, इसे काट दिया तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो ये इसके आ गया 25 मिनट आ गई हाफ लाइफ इसकी। ठीक है, अब देख लेना यार क्वेश्चन कैसा था, अगर यही डिजिट्स हैं तो यही आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ इथेनल इज रिएक्टेड विद सेमी कार्बाजाइड, तो सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला भाई लोगों याद होना चाहिए, NH2NHCO NH2, तो ये भी बिल्कुल नोट्स वाली रिएक्शन लिखी हुई मिल गई है, जो सब टीचर्स ने लिखाई होगी, मैंने क्या स्पेशल लिखाई, ये तो हर कोई लिखाता है और सबने पढ़ी भी होगी। तो इसकी रिएक्शन जब PH325 के साथ हम हीट करते हैं इसे, तो इससे क्या बन जाता है, सेमी कार्बाजोन बन जाता है, ये क्या बन गया सेमी कार्बाजोन। ठीक, सेमी कार्बाजोन बन गया, कितने नाइट्रोन एटम आ गए, 3 आ गए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट ऑफ मोलैरिटी 0.35 इज टू बी प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द मास ऑफ CH3CONa रिक्वायर्ड इन ग्राम्स, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो मोलैरिटी का हम फॉर्मूला पता है, वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, इसकी वैल्यू होगी 0.35, वेट हमें निकालना है, मोलर मास सोडियम एसीटेट का मोलर मास 82 होगा, निकाल लो CH3CONa, तो हो गया 12 + 3 + 12 + 32 + 23, सबको जोड़ दो तो 5, 6, 4, 10, 2, 12 और 8 बाय ऐसी आ गया, इंटू 250 ml है इंटू 1000 है, तो ये 4 हो गया, इसे ऑलमोस्ट 80 भी मान लोगे तब भी आंसर जो आ जाएगा वो 7 point something something आ जाएगा, 7.175 ग्राम्स आ जाएगा, तो इसे हम 7 ग्राम्स, क्योंकि राउंड ऑफ करना था, तो 7 ग्राम्स इज़ नॉट अ बैड
आंसर टू राइट. ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ अन अन ईएम. ठीक, अन अन ईएम का मतलब क्या है कि अन का मतलब होता है वन, अन का मतलब वन और ईएम का मतलब वन. तो ट्रिपल वन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आर जी, इसका सिंबल होता है. आर जी कहाँ पे आता है, आर जी आता है कॉपर सिल्वर गोल्ड और फिर आता है आर जी. आर जी का फुल फॉर्म मतलब रोइंटेजेनियम, रोइंटजियम, ठीक, जीनियम कुछ भी कह लो. तो ये कौन से ग्रुप नंबर में है, ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया, ग्रुप नंबर कौन सा है, 11 है, क्योंकि कॉपर वाले ग्रुप में आ गया तो क्या आ गया, 11 आ गया. ठीक, पीरियोडिक टेबल याद होने के अपने फायदे हैं, अगर याद रहेगी तो आगे भी सवाल आसानी से लगेंगे. अगला क्या कह रहा है, फाइंड आउट द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द ऑल स्पीशीज इन्वॉल्व इन द बैलिस्टिक क्वेश्चन. ये देखो, ये क्वेश्चन तुमसे पूछी गई थी 29 के फर्स्ट शिफ्ट में, ये सेम क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे भी. तो MnO4 माइनस प्लस आई माइनस प्लस वाटर, इसे 2 कर देते हैं यहाँ से, विल गिव यू MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस IO3 माइनस. तो Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन गिन लो जरा, 4 हो तो 6 हो, 3 9 हो गया, ठीक है, आई माइनस तो बैलेंस होगा. ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया, कॉफिशेंट 2 1 1 2 2 1, तो हो गया 2 + 4 + 5 9 हो गया, 9 हो गया. सम ऑफ ऑल कॉफिशेंट निकालना था, 9 लिख दिया. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म व्हेन 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2s और 2p जब मिल गए, ये भी बिल्कुल 29 की शिफ्ट जैसा ही क्वेश्चन है, तो यार ये भी देख सकते हैं. तो 2s प्लस 2p अगर मिल गए तो कितने बन जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकते हैं. मैक्सिमम पूछा है तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 हो गए. 2s और 2p मिल गए क्या बनेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, और वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे. अगला सवाल क्या कह रहा था, नंबर ऑफ एटम्स इन द सिल्वर प्लेट हैविंग एन एरिया ऑफ 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द थिकनेस ऑफ दिस. तो वॉल्यूम ऑफ प्लेट कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्लेट निकालो, नंबर ऑफ एटम निकालने, तो वॉल्यूम निकाल लो. वॉल्यूम निकालने के बाद डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई करो, मास निकलेगा, मोलर मास से डिवाइड करके एन से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा बिल्कुल. ठीक, तो वॉल्यूम कितना आ गया, एरिया इनटू थिकनेस, तो इसे लिख दिया 25 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब. तो मास कितना आ गया, मास आ गया 25 × 10⁻⁴ इंटू डेंसिटी है 7.9 ग्राम्स. ठीक, इतने ग्राम्स आ गया. अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स निकालना है. नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स कैसे निकालेंगे, 25 × 10⁻⁴ इंटू 7.9 डिवाइडेड बाई 108, ठीक, इंटू Na कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻², ठीक. इसे जब सॉल्व कर दोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11 × 10⁻⁹ आ जाएगा. तो आंसर इसकी m की वैल्यू 11 लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमारे पास थे, मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए 25. आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा डिस्कस करके. और अगले पेपर में, कल के दिन मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए पेपर परसों ही, मतलब वीडियो रिलीज़ होगा. कल के दिन 29 की सेकंड शिफ्ट वाला सोल्यूशन आ जाएगा, उसे देख लेना, या नहीं भी डालता तो चल जाएगा. बट कमेंट करके बताना कि उसकी भी ज़रूरत है या नहीं. और कल के लिए जिन्हें पेपर देना उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा एनालिसिस वगैरह मत देखो, अपना काम करो और शांति से सो जाना. ठीक है, चलो मिलते हैं, ये देख लेना. ठीक, चलो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, 2 रिपीट हो गए, इसमें हद हो गई. नहीं, चलो, बाय बाय, टेक केयर.